हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग हाफ मार्केट से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली में अभी हम लोग निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। हे गाइस, और एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि कल हम लोग निकल रहे हैं भोपाल। अभी सारी तैयारी हो गई है। आज मैं दिन भर बिजी रहा, ये इनकी भी क्लास चल रही थी तो ये भी दिन भर उसी में बिजी रही और सारी तैयारी हो गई है। अभी बज चुका है 8, ऑलमोस्ट 8 हो गया है। Yes, 8 बजने वाला है, 7:47 है। तो अभी हम लोग मार्केट निकले हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कल की रह गई थी तो अभी करना है। कल हमें मॉर्निंग में निकलना है तो टाइमली घर जाकर सोना भी है। हाँ। है ना। सो अभी पहले शॉपिंग कर लेते हैं। एंड यार सॉरी, यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड लोग बोलेंगे यार यार तो फ्रेंड्स बहुत जाती है। एंड अंदर हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे तो बाहर आकर मिलते हैं। अभी पहले जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हैं। अरे कितनी जरूरी है। क्यों, अच्छा तो लग रहा है। ये वाली ज्यादा अच्छी है, ये वाली ज्यादा अच्छी है। दिस वन इज नाइस। ओके दिखाई। जी की शॉपिंग हो गई। सो अबे हमने लिया है मम्मी के लिए कुर्ती, क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था और हमें बहुत अच्छी लगी थी, पर जल्दीबाजी में हम लोग उसे लेना ही भूल गए। आपका सिंदूर कितना प्यारा लग रहा है ना। चलिए यहाँ के लेते। सो अभी इन्होंने ले चुकी है एक टॉप और अभी इनका थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन चल रहा है तो बोल रहे हैं पहले नीचे जाकर कुछ अच्छी सी कुर्ती देख लेते हैं। वो मिल जाएगी तो वो से फाइनल करेंगे, इसे फिर नहीं। एंड हमारे पास कूपन्स भी है यहाँ के। Yes. So, let's go. तो हम लोग गलती से आ गए थे सेकंड फ्लोर में। ध्यान ही नहीं दिया व्लॉग बनाने का। इतना खुशी इनको शॉपिंग की कि हमने पता, इन्होंने और मैंने दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि हम लोग आ गए नीचे की जगह ऊपर आ गए। नहीं, हम लोगों ने प्रेस ही नहीं किया था अंदर आने के बाद, इसलिए हम लोग ऊपर लेकर चले गए। चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग पहुंच गए। और परेशान हो रही है, कुर्ती 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 कुछ मिल जाए अच्छा, पर कुछ मिल नहीं पा रहा है। ये थोड़ी सी असॉर्ट ऑफ अच्छी लग रही है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कैसी है। या सो गाइस, ये कुर्ती कुछ ऐसी है, इसका नेक सदी ओवर है। और गाइस 9:30 हो गए हैं। लिटरली मैं सब जगह नहीं कैप्चर कर पाई, बहुत सारे शॉपिंग बाकी थी तो हम लोगों ने कर ली। मैंने आपको बताया था 7:47 पे जब हम वहाँ ट्रेन से पहुँचे थे, है ना। अभी 10 बज रहे हैं सच में, और बस अब हम पहुँचने वाले हैं घर। घर जाके सीधा डिनर करेंगे और सीधा सोना है हमें। अभी ये गए हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए, बिकॉज रास्ते में कुछ हल्का फुल्का खाओ तो ठीक रहता है। सो, अभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दिन स्टार्ट हो गया है और हम लोग हो गए हैं ना फ्री। 5 बजने वाले। सो ऑल सेट, सारा सामान के लिए हम लोगों ने पैक कर लिया था। अभी भी नहीं नहीं करते हुए भी काफ़ी कुछ सामान हो चुका है तो इसे भी एडजस्ट करेंगे, जगह बनाएंगे। फिलहाल जाके थोड़ा पानी वानी पीते हैं एंड फिर जल्द से जल्द निकलते हैं ताकि धूप होने से पहले हम लोग काफ़ी कुछ क्रॉस कर जाए तो बेटर रहे, है ना। तो मिलते हैं रास्ते में। सो अब हमारा टाइम हो चुका है निकलने का। इतने जल्दी सोचे थे निकलने के लिए, उतना ही ज़्यादा टाइम हो गया, बट फिर भी अभी 5:20 हो रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी हम लोग निकल गए हैं घर से। एक मिनट हुआ है बस। यस, एक मिनट। हाँ, 5:24 पे हम निकल गए हैं, अभी 5:25 है। वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे ना, उसके बाद आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है। यस, अब जब हम पहुँच जाएंगे उसके बाद मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा, नेक्स्ट डे व्लॉग में मिल जाएगा आपको।
तो वेट कीजिएगा कि सरप्राइज क्या। सरप्राइज बहुत बड़ा है एक तरीके से, मजा आएगा। और देखते हैं, कमेंट डाउन करके बताइएगा कि क्या सरप्राइज हो सकता है। देखते हैं कितने लोग सही कैसे कर पाते हैं। फिलहाल मौसम इतना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है। तो चलिए सफर को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि हम 5:30 बजे निकल गए हैं, मतलब जैसे 5:25 है, तो पहुंचते कितने बजे तक है। हाँ, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक्चुअल टाइमिंग। बस प्रिय भगवान जैसे कि अच्छे से सफर कट जाए बिना किसी परेशानी। वैसे तो मैं भगवान जी को साथ में ली हुई हूँ, तो प्रॉब्लम दूर रहे, इसलिए हम पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर के सामने। वैसे हनुमान जी के दर्शन हम लोग मतलब रोज ही करने आते थे, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जय और जयश्री वॉक करने आते थे तो यहीं पे आते थे, तो रोज दर्शन मिल जाते थे। मैं ही बस ऐसा हूँ जो जब भी मतलब इधर से गुजरना होता है तभी मैं दर्शन कर पाता हूँ। मेरे सामने आप देख सकते हैं जो ये येलो येलो मेरा दुपट्टा दिख रहा है ना, तो पूरा सामान भरा हुआ है पीछे, पूरा तब ठस सामान है जिसको बोलते है ना, गाइस इतना ज्यादा था कि मतलब 12-15 जो वो जम्बो साइज की ट्रॉली बैग होते हैं ना, उसमें था सामान। अभी हम पहुंच गए हैं मैहर एंड मैं आपको दिखाती हूँ माता जी की पर्वत। ये देखो ये बोलो साचे दरबार की जय। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर दिख रही होगी, जय माता। ये है वो पहाड़ी जहाँ माता जी विराजमान है। सो गाइस हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, कितने किलोमीटर समथिंग हम आ चुके हैं, लोग आ चुके हैं 100 किलोमीटर। ओके 100 किलोमीटर आ चुके हैं एंड अब की थोड़ी भूख लग रही है, तो जय ने ये गर्मा गर्म मैगी रख दी थी बना करके, तो अभी हम लोग खा लेते हैं इसको फटाफट से। खा लेते हैं, नहीं खिलाइए। ठीक है चलिए। मैंने अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुके हुए हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं ये मखाने और मूंगफली जो कि जैन ने रखी है रोस्ट करके, बिल्कुल टेस्टी लग रहे हैं ना। आ रहा है। बहुत ज्यादा कड़ी धूप हो चुकी है अभी, मेंटली हालत खराब है। अभी हम लोग जस्ट सागर क्रॉस किए हैं एंड अभी हम लोग आराम से स्टे करते हुए खाते पीते हुए जा रहे हैं एंड गर्मी इस कदर की है कि गला जो है वो बार बार सूख रहा है। अभी मुझे फिर से प्यास लग गई है, पर आगे चल के कहीं बॉटल लेते हैं क्योंकि हमारे पास जितना भी पानी था सब गर्म हो चुका है। अभी हम लोग सागर में रुके थे क्योंकि हम लोगों को जाते जाते वो एक चीज़ दिख गई थी जो हम दोनों ही काफ़ी टाइम से लेना चाह रहे थे, और क्या है बताएं, बता दे, बता नहीं देते, दिखाई देते। सो 3, 2, 1 पानी सारा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। मिल गई ठंडी बॉटल? हाँ यार फाइनली मिल गई। इस रात ही हो गई एंड हम यहाँ पे रुके हुए हैं एक ढाबे पे। ये है छोटे ठाकुर ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। फर्स्ट टाइम हम यहाँ आकर के रुके हुए हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हमने सोचा थोड़ी देर हम यहाँ पे रुक जाते हैं एंड साथ में ही यहीं पे कर लेते हैं डिनर। यहीं कर लेना डिनर। हाँ यहीं कर लेते हैं, है ना। हाँ मस्त खाएंगे और चल के सोएंगे। ढाबे की दाल और पनीर की सब्जी भी। ओके ऑर्डर हम कर चुके हैं।
थैंक यू। यहीं बैठते ना, ग्रीन 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 ग्रीन। देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ आ चुका है सैलेड और ये है बटर पनीर मसाला, मेरी फेवरेट सब्जी। और यहाँ पे है दाल तड़का जो कि इन्हें बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और ढाबे में आओ और दाल ना खाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। ढाबे की दाल तो यार अच्छा रहती है, सच में मजा आने वाला है। सब्जी भी देखती लग रहा है, बहुत लजीज दिख रही है यार। चलिए जल्दी से खाना खाते हैं। तंदूरी फाइनली।